वो रहा एक, ये देखो इसे कहते हैं एक परफेक्ट व्यू। ओके वाओ नाइस। हमने सोचा कि घर से बहुत दूर आके, जब एकदम घर से बहुत दूर आके व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे और सीधा कंटेंट पे ध्यान देंगे, तो भाई घर से कुछ दूर 350 या 380 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। कहाँ पे आए रहेंगे पहले एक चीज दिखा देते, तो कहाँ पे आए रहेंगे उसके बाद आप खुद गेस कर सकते हो कि हम कहाँ पहुंचे। और टाइम बहुत कम हो रहा है क्योंकि हम इतना घूमते घूमते आए हैं ना, बहुत घूमते आए, और हमारे साथ कुछ नए दोस्त हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे आराम से। देखो सामने, देखो कितना बड़ा लेक है भाई, कितनी बड़ी नदी है जहाँ पानी स्टोर है। हमें लगता है आगे चलना पड़ेगा। ठीक, क्या ये जाता है, ये इसको जो टच करते है ब्लास्ट हो जाता है। अरे हाँ हो गया, कुछ है क्या इसके अंदर, मतलब वापस? ओके अच्छे खासे बड़े हो गए, ये वाले भी होगा। अच्छा हाँ, ओ हो क्या बात है। तो ये आपको देख के क्या लग रहा है कि हम कहाँ पे आए हैं? तो ये देख के आप बता सकते हैं कि हम किस प्लेस पे, बाकी मैं आके बताता हूँ। और बहुत ही प्यारी गाड़ी लेके आए हम। हाँ लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेना, लेफ्ट जाने देना, स्ट्रेट और थोड़ा राइट जाने देना बिंदास। फ्रंट एक्सल पावर स्लिप हुआ। तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ये लाइट चेहरे पे आता तो चेहरा एकदम ग्लो होने लगता है। तो यहाँ पे हमारे दूसरे दोस्त भाई, तुम्हारा नाम? आकाश। देखो कितनी रोशनी दे रहे हो यार, कितनी रोशनी दे रहे हो। तो अतीक ना, हाँ अतीक, अतीक जो है वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, हम लोग एक ही क्लास में पढ़े हैं और आज सालों बाद मिले हम। हाँ आराम से घुसा दिया गाड़ी, नहीं सो गाड़ी लेके आ जाओ। यस बेबी। महाबलेश्वर के हम उस पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे कोई आता नहीं, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो है बंगले बंगले साइड साइड में, और हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ से ये कच्चा रोड जो है, देखो ये जो कच्चा रोड पीछे आप देख रहे हो, ये कच्चा रोड नीचे जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाते हैं हम लोग भी। वाओ पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, देखिए क्या पॉइंट है यार वहाँ पे। देखो यार दो चार लोग बैठे भी हैं और ये है लेक। हाँ यही रास्ता है, नहीं मुझे नहीं लगता ये रास्ता होगा भाई। अरे डूड वो बहुत नीचे है। अरे अरे वो लेकिन वो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है वो। आखिर में यार यस हाँ ये रास्ता तो है, लेकिन अपने को टाइम हो जाएगा नीचे जाने में। ये देख वो देख वहाँ पे वो रोड दिख रहा है, वही बोल रहा था, लेकिन लेकिन वो उधर से क्या रहेगा, वो देख वहाँ पे रोड। हाँ ओके, ये महाबलेश्वर का, ये महाबलेश्वर का, अरे पूरा व्हाइट हो गया। तो ये है महाबलेश्वर का अनटच प्लेस, मतलब यहाँ पे बहुत लोग ही आते होंगे। क्या बात है, ओहो हो भाई साहब, ये मंगा ना ड्रोन का बैग, डीएसएलआर ले क्या भाई, उसको बैग मंगा ना, बैग मंगा ना। मतलब अभी जो ड्रोन शॉट दिखाया हम लोगों ने भाई, जो व्यू अभी दिख रहा है ना जबरदस्त दिख रहा है। तो ये जो प्लेस है ना, मतलब ये गांव वालों का प्लेस है। देखो यहाँ पे सब बंगले बंगले हैं, देन वहां से रोड आता है, पता नहीं हम यहाँ कैसे पहुंच गए घूमते घूमते, हमारा कोई प्लान नहीं था। और यहाँ से हमने
ये व्यू कुछ ये नज़ारे कवर किए और यहाँ पे थोड़ा ड्रोन शॉट आपने जो देखा अच्छा था, लेकिन कैसा धूप और छाव की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया अपना हमारा सेंसर। और ये मस्त है, यहाँ पे बैठ के सुकून से बंगले वाले आते हैं, टाइम पास करते, मजा आ जाता है। ड्रोन शॉट यहाँ पे ट्राई किया, मजा आया। ड्रोन का जो रेंज था वो थोड़ा सा मतलब 15 मीटर का ही रखता, इसलिए ज्यादा दूर भेजा नहीं, क्योंकि पानी भी था और हवा भी बहुत था। तो एक हवा का जब बहुत ज्यादा जोर से चलता है तो ड्रोन में अनाउंसमेंट आता है कि भाई एयर बहुत चल रहा है, प्लीज ड्रोन को बुला लो। और हमने बुला लिया, इसे गाड़ी में डाल। मतलब पहाड़ों में, पता है पहाड़ों में आने के बाद ना कुत्तों का शेप भी चेंज हो जाता है भाई। मतलब देखो लंबे पूंछ, घने बाल, और जैसे ठंडी आ जाएगा ना तो और ये एकदम जर्मन शेफर्ड और हस्की जैसा लगने लगेगा। घूमते घूमते हम पहुंच गए मेन रोड पे, गलती से हमें गलत रोड पे चले गए थे जहाँ पे बहुत एडवेंचर किया, उसके बाद सही रोड पकड़ के आ गए सही रोड पे। तो देखो बहुत ही प्यारा सनसेट यहाँ पे होने वाला है, कोशिश करेंगे कि हम किसी अच्छे लोकेशन पे पहुंच जाए और एक अच्छे से ड्रोन शॉट ले। और हमें मंदिर भी जाना है, एक लोकेशन यहाँ पे हमने सर्च किया है, वो मंदिर जाना है, वो यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूर है, तो उससे पहले सनसेट देख ले। बहुत प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि मैं इस प्यारे चेहरे को दिखाने से रोक नहीं पाया भाई। पता है ना सन की पावर, आकाश की पावर जब पड़ती है तो रोशनी छा जाती। नहीं ये शुभम इनके बड़े भाई, आकाश बड़े भाई हो ना, छोटा भाई हूं। अरे यार गलत गेस कर लिया। तो ये हमारी पहली ट्रिप है, फर्स्ट ट्रिप कर रहे हैं हम लोग अनएक्सपेक्टेड। मतलब और भी दो लोग आने वाले थे, अगर आप तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर दिया। अगली बार कोई प्लान बनाए ना तो उसको छोड़ना नहीं, एंड टाइम भी नहीं मना कर दिया। कह सकता हूँ कि महाबलेश्वर में ठंडी का मौसम आ गया, मिस कर रहे कि जैकेट पहन के नहीं, ठंडी बहुत मस्त लग रहा है। काका ठंडी कैसी लग रही है? ठंडी है ना, मस्त वाली। हवा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी हम कौन से मंदिर पे आए हैं? पंचगंगा मंदिर, जो कि गेट वीट कुछ नहीं है, पूरा ओपन है। तो मैं पहली बार आया हूँ, हम सब पहली बार आए हैं पंचगंगा महाबलेश्वर। लेकिन भाई अब क्या करेंगे, रातों रात ना वो उस वाटरफॉल के पास पहुँच जाएंगे, मॉर्निंग वहाँ करेंगे, सनराइज वहाँ करेंगे। क्या बोलते हैं, सनराइज वहाँ करेंगे। अरे तो उनसे चले गए क्या? नहीं गए ना, तो उनसे पूछो ना पानी कैसे आ रहा है। अरे यही है पहाड़ों का, ये तो ये है वो मंदिर किधर किधर बताओ। और सॉरी की दिख रहा है ये पानी कहाँ से आ रहा है, मतलब पूरा साल पानी आता रहता है पूरा साल। अरे यार दिन में, और ये मंदिर कितना पुराना है, 1000 साल पुराना है यार। शिट बहुत लेट हो गए। सो देखो यार व्यू, ये जो वीडियो है मैं आईफोन 14 में शूट कर रहा हूँ, हमारे दोस्त का है। सो ये दिख पा रहा है, और सो ये रहा मंदिर जो कि 1000 साल पुराना है, और अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। और मंदिर जो है शाम को बंद हो जाता है, तो कोशिश करना कि आप जल्दी से जल्दी आ जाना। देखो जो टर्च लिए हैं वो अंकल वॉचमैन है, जो पुजारी है शायद से, जो यहाँ पे मतलब रहते हैं। हाँ सो अभी ये हम महाबलेश्वर टेंपल के अंदर आए हैं, और शिवाजी महाराज देखे यहाँ पे कुछ दान कर रहे, आप ये देख लो। मंदिर में जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा खाली शिवाजी महाराज का मैसेज लिया जो कि अंदर था, बाकी आप यहाँ पे आओगे तो ही आपको पता चलेगा। और बाकी लोग ऊपर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ऊपर का भी कुछ हो। और ये मेन रास्ता है आने का और यहाँ से अंदर जाने का, और एग्जैक्ट देखिए यहाँ से सीधा मंदिर व्यू दिखता है, और जो आप डिस्प्ले देख रहे हो ना उधर वो अंदर है। लियो और रॉकी जो कि देखो मंदिर के सामने, ये हमेशा रहते हैं यहाँ पे ये लोग। सेकंड नहीं काटते हैं अभी, फिर अभी मैं कर लेता मैं अभी सेकंड इसके साथ में भाई साहब, ये भी काटते हैं, कुत्ते हैं काटेंगे गुनिया में। महाबलेश्वर आए और आपने ये मतलब ट्राई नहीं किया, जो सब मैप्रो का ही प्रोडक्ट है यहाँ पे, पूरा मैप्रो। तो वहाँ पे प्रोडक्ट लेने से पहले आप टेस्ट भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैडम दे रही है, ये थोड़ा अजीब सा दवा जैसा लग रहा है मेरे को, बट ठीक है। टेस्ट कैसा था इसका वाला?
लेमन का थोड़ा बेटर था, ग्रीन एप्पल का तो सिरप से ये लोगो अभी भी ट्राई कर रहे हैं। अच्छा लगा क्या ये वाला? अच्छा हाँ, मतलब ठंडी यहाँ पे है यार, शुगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं और ठंडी है यहाँ पे अच्छा खासा। क्या है भाई, काजू किशमिश है क्या? मैप्रो ये भी बनाता है, बिजनेस है भाई। अच्छा बिजनेस है। और क्या कहे, इसका प्राइस जो है 180 ₹180 का है यार। बोलूंगा मैप्रो का जो इसने पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आया, आप देखो तो पैकेजिंग पे बहुत अच्छा काम किया है, जो कि बहुत प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम आ गए हैं मैप्रो के रेस्टोरेंट में, जहाँ पे देखो भीड़ देखो यार। और यहाँ पे इनका किचन है, जहाँ पे लाइट सबके सामने ये ब्रेड सैंडविच बनाते ले लिया, और भाई ने जैसे ऑर्डर दिया वैसे ही बन के आ गया। यहाँ पे अच्छी बात ये लगी ना कि भाई मतलब सबके सामने देखे, वहाँ पे सैंडविच मशीन है जो बनाते हैं और खिलाते हैं, तो इस साइड में यहाँ बैठते हैं, क्राउड कम है। सो हमारे एक दोस्त की तबीयत होगी खराब, कहीं तो गए हैं वहाँ पे विश्राम करने के लिए जो कि लगता है कुछ ज्यादा ही विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो फ्रेंच फ्राइज देख रहे हो भाई, खतरनाक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये साइज के फ्रेंच फ्राइज मैं पहली बार खा रहा हूँ। और ये जो सैंडविच देख रहे हो, ये जो सैंडविच का जो ब्रेड है, ये भी मैप्रो खुद यहाँ बनाता है। सो दूसरा दिन सुबह के 3:35, आप सभी को हैप्पी दिवाली। जब भी ये व्लॉग आए, सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, जैसे उजाला हो जाएगा फिर कैमरे के सामने आते हैं। इस होटल में रुके थे, ये होटल कम ले हॉल ज्यादा लगता है। सुबह के 7 बज गए हैं और फाइनली हम अभी लोकेशन पहुंचे। बाहर जो है बहुत ही शानदार व्यू है, जो इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी दिखाएंगे पॉइंट पे पहुंच के। जो लोकेशन है बहुत ही हार्ड है, जिसके लिए हमने 2 दिन पूरा अपना मतलब इस लोकेशन पे आने में लगाया। और ये देखिए, ये है आपका व्यू। वाह यार, इधर से क्या व्यू है यार, ऑसम। ऐसा लग रहा बादलों में हम लोग, बादलों के ऊपर भाई पूरा। आपको समझा नहीं ना कि मतलब वो क्या व्यू था, वो व्यू क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे हाँ, यस, व्यू देखिए यार, ऐसा लग रहा है कि यार बादलों के ऊपर है, चादर ओढ़ रखा है एकदम सही, पहाड़ में चादर ओढ़ रखा है। यस, सो बहुत हाइट पे आए हम लोग, गजब का हाइट पे है। वो गांव हमें वहां दिख रहा था, गांव को कवर कर करके वहां पे गांव है। और सबसे मेन लोकेशन ये देखो, ये कहां पे आ गए हम, ये बहुत हार्ड लोकेशन है। और उसके उस पार तो वो मेन लोकेशन जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो चले। यस, फ्लैश चालू हो गया है। तो ये जो टनल है बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत पुराना है, और इसको ज्यादा रफल टफन बनाया गया है। मतलब फिनिशिंग नाम की चीज नहीं है, लेकिन एकदम मस्त लुक है। अब पीछे जो आपको ये पानी जाता हुआ दिख रहा है ना, ये पानी कहाँ जा रहा है ये मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाऊंगा, क्योंकि ड्रोन हम गाड़ी में भूल गए। और दोस्त लोग वहाँ पे पीछे देखो, वहाँ पे है, और एग्जैक्ट चेहरे पे ये सनसेट आ रहा है। तो यहाँ कह सकते हो कि भाई सनराइज बहुत प्यारा होता होगा। और ये देखो इधर गुफा, हाँ बहुत प्यारा है यार, आप वो प्लेस देखिए ना, मजा आ जाएगा। यहाँ से हमने गाड़ी लाया, और यहाँ से ये जाने का रास्ता है। तो जैसे गुफा पार करेंगे वैसे आपको झरने की आवाज आएगी, और ये प्यारा लोकेशन दिखेगा। जो ड्रोन शूट देखा आपने, हमने यहाँ से शूट किया, अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल के सामने, इधर से एक रास्ता है। तो भाइयों कैसा लगा तुम लोगों को ये लोकेशन?
अमेजिंग, एक नंबर। और सबसे बेहतरीन यहाँ पे आने का रास्ता जो ये टनल है ना, ये पार करके आएंगे, वैसे ही बाजू में ये वाटरफॉल है। अब हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे हम सामने से वाटरफॉल को देखेंगे। ऐसी जगहों पे प्लीज आके प्लास्टिक की बॉटल, चिप्स, वेफर्स का फेंक के ना जाए, वो बहुत अजीब लगता है। क्योंकि ये इतने शानदार लोकेशन पे है ना यार, मतलब इसको देख के वाह वाह ही निकलता है मुंह से, जो आपने ड्रोन शॉट देखा। अभी हम सामने से जाके शूट करेंगे, देखते मैं भी। देखो यहाँ पे भी आके बॉटल फेंक दिया है, क्या कहें हम। बस यहाँ से हार्डली 25 किलोमीटर दूर रायगढ़ किला है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड को फॉलो करते करते हम आगे आए, और आगे मतलब गाड़ी भी लेके आ सकते। देखो पीछे गाड़ी आ रहा है, जहाँ पे मतलब वाटरफॉल का शानदार व्यू सामने से दिखेगा, और जहाँ से दो तीन और हम फोटो वीडियो ड्रोन शॉट शूट करेंगे। ये रहा, मतलब देखो यार ये एकदम समतल जगह है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब ये घास के नीचे जाएंगे ना तो भाई सीधा नीचे, ओके। यहाँ पे कुछ है भी नहीं, मतलब आप गाड़ी एक स्पीड में लेके आओ और सीधा वहाँ पे और गायब हो जाओगे। तो हम और हम जो है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ से वो वाटरफॉल का देखो व्यू देखेंगे। बट ये प्लेस ठीक, मतलब यहाँ कुछ करना चाहिए यार, क्योंकि देखना कुछ नहीं है यहाँ पे हार्ड। लेकिन यार यहाँ से ये व्यू कुछ ऐसा है। और एक और ड्रोन कहाँ गया ड्रोन, एक और कोई तो है जो ड्रोन उड़ा रहा है, शॉट ले रहा है। कहाँ सा तू पागल है, ओए उधर से उतर नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हम लोग एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब जिसका ब्लॉग इन्होंने देखा है, उस बंदे ने एक पॉइंट पे जाके मस्त अच्छा वाला व्यू लिया है, जो कि बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही धासु लगता है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, बट वो रास्ता नहीं मिल रहा कि वो गया किधर से था, और वो रहा ऊपर ड्रोन सिम अपने जैसा वहां पे। नहीं हम ढूंढ निकालेंगे, चलो लेट्स सी। इसके बाद जो आप ये नजारा देख रहे हो बहुत ही शानदार है, और इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है जो आप देख रहे हो। और मैंने कुछ जितना ज़्यादा रिस्क ले लिया ड्रोन के साथ कि अब आपको पता चलेगा। ये देखो ड्रोन का टाटा बाय बाय। आपको समझ आया नहीं समझ आया, वापस दिखाता हूँ कि ड्रोन का क्या हाल हुआ, और नेक्स्ट ब्लॉग का करिए इंतज़ार कि ड्रोन का हुआ क्या, मिला कि गया।